हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग नॉवल को, जिसका नाम है दी मॉन्क। दी मॉन्क को लिखा गया था 1796 में, यानी कि 2 सेंचुरीज पहले, और इसको लिखने वाले हमारे राइटर का नाम है मैथ्यू लेविस, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोगों को पता भी लग गया होगा। दी मॉन्क, इसके अगर टाइटल पर हम फोकस करें, मॉन्क जो इंसान है, मॉन्क हम उस इंसान को बोलते हैं, उस पर्सन को बोलते हैं जो कि किसी रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, और ये क्रिश्चियनिटी की एक टर्म है मॉन्क। वहाँ पे जो सबसे ऊपर के जो से रिलीजियस कम्युनिटी के पर्सन होते हैं उनको मॉन्क बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी समरी विदाउट मोर टाइम वेस्टिंग। हाँ, एक जरूरी बात तो रह ही गई, दी मॉन्क एक गॉथिक नॉवल है, उसी के साथ साथ इसको रोमांस नॉवल भी कहा गया है। लेकिन मैंने इसको पढ़ा है, मुझे तो ये क्राइम्स नॉवल ज्यादा लग रहा है। तो चलें देखते हैं आप लोगों का क्या लगता है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी करेक्टर लिस्ट मैंने बनाई नहीं है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको खुद ही करेक्टर्स के नाम याद हो जाएंगे, क्योंकि इतने कोई मुश्किल नहीं है। ये नॉवल शुरू होता है कहाँ से शुरू होता है पता नहीं। अच्छा, ये नॉवल जब स्टार्ट होता है, इसके शुरू में बहुत ज्यादा करेक्टर्स दिखाए जाते हैं, ये इसके अंदर बहुत ज्यादा करेक्टर्स हैं, और ये नॉवल लिखा गया तकरीबन 18th century में, और इसकी सेटिंग्स रखी गई हैं मैड्रिड में। इसमें जो हमारे पास सबसे पहला करेक्टर आता है वो है एम्ब्रोसियो। इसका नेम आप लोगों ने याद रख लेना, क्योंकि ये एक बहुत ही फेमस मॉन्क है, यानी कि एक रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, बहुत ही रिलीजियस पर्सन है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकेंड करेक्टर, जिसका नाम है लोरेंजो। ये नेम बहुत ही प्यारा है, लोरेंजो। ये एक यंग, वेल्थी और नोबल मैन है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड कैरेक्टर है वो है एंटोनिया। एंटोनिया एक बहुत ही खूबसूरत यंग लड़की है, और लोरेंजो और एंटोनिया जो उनसे हैं, ये एक सेमिनार में एक दूसरे से मिलते हैं, रिलीजियस सेमिनार में, जहाँ पर एम्ब्रियोसो जोनस है वो अपनी स्पीच कर रहे होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे से एकदम से फॉल इन लव हो जाते हैं, यानी कि इन दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है पहली ही नज़र में। वो है, होता नहीं लव इन फर्स्ट, लव एट फर्स्ट साइन, ऐसी कुछ वही, ठीक है। एंटोनियस जो है, उसकी जो मदर है, सॉरी, एंटोनिया की मदर का नाम है एल्वीरा। ये भी नेम बहुत प्यारा है, एंटोनिया हमारी जो उनसे प्रोटेगनिस्ट कह ले, हमें प्रोटेगनिस्ट तो नहीं है, हीरोइन है एंटोनिया, हमारे प्रोटेगनिस्ट हैं लोरेंजो और एम्ब्रियोसो, ये हमारे एक बहुत ही मेन करेक्टर है। एल्वीरा जो उनसी हैं, ये एंटोनिया की मदर हैं, और ये सिटी में आती हैं, और इनको सिटी में कौन लेके आता है, बेसिकली ये गांव से बिलोंग करती हैं, और इनको सिटी में लेके आता है रेमंड। रेमंड कौन होता है, ये जो हमारे पास लोरेंजो था, इसका फ्रेंड था, और वो उनको सिटी में लेके आता है इसलिए ताकि वो देखें कि उनके जो उनकी जो उनसे बेटी है उसका अफेयर चल रहा है लोरेंजो के साथ, ये देखने के लिए वो एल्वीरा को सिटी में ले आता है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, एल्वीरा इतनी वो कंजर्वेटिव माइंड की नहीं होती, और लोरेंजो क्योंकि रिच होता है तो उसको हार के एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, एम्ब्रियोसो जो है ये बहुत ही ज्यादा वर्चुअस और स्ट्रिक्ट मॉन्क है, पूरी सिटी में सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और वहां पर ये होता है कि एक बहुत ही यंग नन होती है जिसका नाम होता है एग्नीस, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो सा एम्ब्रियोसियो है ये इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि उसको वो कहते हैं बस इसको मार दिया जाए, और उसको उस चीज का कोई रिग्रेट भी नहीं होता, उस लड़की को एग्नीस को मरवाने के बाद इसको कोई रिग्रेट भी नहीं होता, हालांकि बहुत ही ज्यादा रिलीजियस पर्सन होता है। और इसके अंदर हिज लैक ऑफ सिंपथीज कम टू हॉन्ट हिम, और यही इसकी सिंपथीज जो थी ये इसको बाद में काफी ज्यादा इसको तंग करती हैं। लेकिन यहाँ पर जब एक और यंग मॉन्क होती हैं, यानी कि इनके ही कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, जो कि फीमेल हैं, जिनका नाम है रोसारियो।
रोसारियो एक बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल क्या कह रहे हैं, ब्यूटीफुल मॉन्क है इनका, रोस्टेरियो, और मैथिल्डा इनका रियल नेम है, ठीक है, मैथिल्डा। और ये जो सी है ये उनकी लाइफ में आती है एम्ब्रियोसियो की, और एम्ब्रियोसियो को बहुत पसंद आने लगती हैं, और जैसे ही ये पसंद आने लगती है एम्ब्रियोसियो के अंदर, उसी टाइम फाइट शुरू हो जाती है, वो अपनी डिजायर, अपनी ख्वाहिश, उसकी ख्वाहिश बन जाती है मैथिल्डा, लेकिन वो अपनी उस ख्वाहिश से जान छुटाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल करता है, लेकिन उसकी स्ट्रगल फेल हो जाती है, और एंड पर वो मैथिल्डा के साथ सब कुछ कर लेता है। समझिए आगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यानी कि एक क्राइम कर लेता है, एक बहुत अच्छा रिलीजियस पर्सन होने के बावजूद ये बहुत बड़ा अपनी जिंदगी का क्राइम कर बैठता है। उसके बाद लोरेंजो जोनसे हैं, ये जोनसे हैं, ये बहुत ज्यादा रेमंड इनके दोस्त हैं। जस्ट एक मिनट बच्चों, एक मिनट। लोरेंजो जोनसे हैं, ये जोनसे हैं, इनके दोस्त हैं रेमंड, और एग्नीस जोनसी हैं, इज द लवर ऑफ एग्नीस। एग्नीस कौन थी, एग्नीस कौन थी, मैंने अभी आप लोगों को बताया, एग्नीस नेम की एक नन थी जिसको एम्ब्रियोसो ने मरवा दिया था। एग्नीस जोन सी होती है वो रेमंड से प्यार करती है, और रेमंड भी उससे बहुत प्यार करता है, और ये दोनों एक दूसरे से जब बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो, लेकिन एग्नीस नन होती है और रेमंड जो है वो उससे प्यार करता है, नन जो होती है वो शादी नहीं कर सकती, नन शादी नहीं करती, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में है कि नन शादी नहीं करती, लेकिन अब वो दुनिया को प्रूव करना चाहते हैं कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो दोनों मीटअप्स करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एक ही रात जो है एग्नीस वो प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट होने के बाद वापस अपने हॉस्टल में जहाँ पर वो रह रही होती है वहां पर जाती है, तो वहां की जो प्रियोरेस है वो उसको मार देती है, और बाद में उसके घर वाले जब उसके बारे में पूछते हैं तो वो कह देती है कि वो बहुत सीवियर इलनेस की वजह से उसकी डेथ हो गई, वो एकदम से बहुत ज्यादा बीमार हुई और वो मर गई। लेकिन रेमंड और लोरेंजो ये दोनों उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, क्योंकि दोनों को पता लग गया था कि वो प्रेग्नेंट है, और वो दोनों अब उसका उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन वो लोग नहीं कर सके, जिसकी वजह से ये जो रेमंड था ये बहुत शदीद जख्मे में सदमे में चला गया, और ये बहुत ज्यादा दुखी रहता था, बहुत ज्यादा अकेला रहने लग गया लोरेंजो, सॉरी रेमंड, रेमंड बहुत ज्यादा अकेला रहने लग गया, बहुत दुखी रहने लग गया, क्योंकि एग्नीस जिससे वो प्यार करता था, जो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, उसको मार दिया गया। लेकिन अब उनने तो यही बताया कि वो सवेयर इलनेस की वजह से उसकी डेथ हुई है, जिसकी वजह से जो रेमंड था वो कुछ कर भी नहीं सका, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ वो तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। अभी नेक्स्ट चलते हैं, लोरेंजो कौन सा है, वो विजिट करता है एल्वीरा को। एल्वीरा मैंने आप लोगों को पहले बताया है कौन है, एल्वीरा एंटोनिया की मदर है। एंटोनिया कौन है, जिसे लोरेंजो प्यार करता है। लोरेंजो एंटोनिया की मदर के पास जाता है और उसका हाथ मांगने जाता है, लेकिन एल्वीरा क्या 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 कहती है यहाँ पर, एल्वीरा कहती है कि मैं भी एक मार्कुइस से मैंने शादी की थी। मार्कुइस उसको बोलते हैं वो जो हाई, जो सोसाइटी के हाई लोग होते हैं ना, यानी कि बहुत वेल्थी होते हैं, उनको मार्कुइस बोला जाता था। तो वो कहती है कि मैंने भी एक मार्कुइस के साथ ही शादी की थी, लेकिन मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी, क्योंकि मैं एक लो बॉर्न वुमेन थी, यानी कि मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, मैं उनके मैार की नहीं थी, तो मैं उसी की चीज में कभी भी अपनी बेटी को नहीं जाने दूंगी। उसने एंटोनिया को उस चीज में नहीं जाने दिया, और उसने क्या किया कि लोरेंजो को इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी जो लोरेंजो था वो फिर भी उनके साथ खड़ा था, और वो चाहता था कि एंटोनिया और एल्वीरा की वो मदद करे, और वो उनके साथ तब भी खड़ा रहा जब उसको उस एंटोनिया का रिश्ता नहीं मिला। और फिर एम्ब्रियोसो, एम्ब्रियोसो, अब यहाँ पर एम्ब्रियोसो का एक ऐसा लुक हमें नजर आएगा जो कि तुम लोगों ने शायद सोचा भी नहीं होगा। एम्ब्रियोसो जो था वो बहुत ही ज्यादा रिलीजियस पर्सन था, मैंने आप लोगों को बताया था ना शुरू में। ये क्या करता है, ये एंटोनिया यानी कि लोरेंजो की लवर को चर्च में देखता है और इसको उसकी डिजायर होने लग जाती है,
और जब उसकी डिजायर होने लग जाती है तो उसके घर में जाता है उसकी मदर की, वो क्या कह लें, इलनेस का जब उसको पता लगता है तो उसकी मदर के बारे में पता करना चाहता है, पता करने जाता है, लेकिन उसी के साथ साथ वो एंटोनिया के क्लोज होना चाहता है, वो एंटोनिया को अपनी डिजायर बना लेता है। और एक दिन क्या होता है कि एम्ब्रियसो मोलेस्ट एंटोनिया, मोलेस्ट यानी कि उसको रेप करने की कोशिश करता है एंटोनिया को, लेकिन जोनसी अल्वीरा है वो उसको देख लेती है और वो जोनसी है वो अपनी बेटी को बचा लेती है। और जिस तरह और इसी तरह जो एंटोनिया उसको कोई हार्म नहीं होता, वो बच जाती है बेचारी इस एम्ब्रियोसो से, जो कि बहुत ही रिलीजियस देखने वाला है लेकिन बहुत ही गंदा है असल में। नेक्स्ट चलते हैं एम्ब्रियोसो जो होता है वो फिर भी एंटोनिया का पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन अब यहाँ पर जो उनकी एंट्री आती है मैटिल्डा की। मैटिल्डा क्या है, ये भी उसी की तरह एक मॉक है, और ये क्या करती है, ये कहती है उसको जब ये सब कुछ पता लग जाता है ना एम्ब्रियोसो का, वह एम्ब्रियोसो को एक बहुत ही कोई श्राप दे देती है जिसकी वजह से उसको मैजिकल श्राप दे देती है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा नींद आ जाती है और डीप स्लीप में सो जाता है। और एम्ब्रियोसो जोनसी और एल्वीरा जो है वो सामने आ जाती है और सारा कुछ जो है वो अपनी बेटी को भी बचा लेती है। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, सेकंड पैराग्राफ में देखें रेमंड जोनसा है वो बहुत ही ज्यादा दुखी है, डिप्रेशन में है, एग्नीस की डेथ का उसको बहुत डिप्रेशन है, और उसका अब यहाँ पर एक बहुत ही फेथफुल सर्वेंट है थ्यूडोर। थ्यूडोर जोनसा है वो जो है डिस्कंशियस हिमसेल्फ एज अ बैगर एंड रिसीव अ मैसेज फ्रॉम वन ऑफ दी नन ऑफ, और वो जो उनसा है वो वहां की एक नन जोन सी होती है जहां पर जो एग्नीस काम करती थी, जहां पर वो होती थी वहां की एक नन हैज थ्री प्रेयर्स जोन सी होती है, उसका मैसेज रिसीव करता है और वो उनको बताती है सारी, वो प्रियोरिस यानी कि जो वहां के नन्स की जो हेड थी उसके रियलिटी, और बताती है कि उनने जोन सा है उसके साथ बुरा किया है, आप लोगों को रिवेंज लेना चाहिए और ये सब कुछ। और फिर लोरेंजो को भी, जो रेमंड है ये लोरेंजो को भी बताता है और कहते हैं कि अब हमें टाइम आ गया है कि तुम्हें अपनी बहन का और मुझे मेरी जो वाइफ टू बी का जो है बदला लेना चाहिए अब। तो ये दोनों जब बदला लेने जाते हैं तो यहाँ पर एंटोनिया, एंटोनिया कौन है भला, लोरेंजो की जो लवर थी, तो उसकी जो उनसे वो अपनी मदर के गम में बहुत ज्यादा होती है क्योंकि उसके मदर की डेथ हो जाती है बहुत ही, क्योंकि काफी ज्यादा बीमार थी जैसे आपको पहले बताया। नेक्स्ट सीन में ये है कि वो बीमार होती हैं और उनकी डेथ हो जाती है, और ये जो उनसे है ये काफी ज्यादा सदमे में होती है, और एक अकेली रात को, वन लोनली नाइट शी क्लेम्स टू सी हर मदर गोस्ट एंड फेंट इन टेरर, और ये सब कुछ यहाँ पर वो चीज आ रही है, गोथिक वाली चीज यहाँ पर आ रही है। फिर मैथिल्डा क्या करती है, मैथिल्डा की एडवाइस होती है एम्ब्रियोसो ब्रिंग्स हिम विद ड्रग दैट इंक्लूड, अच्छा ये सारी चीजें यहाँ पे फोकस नहीं करो, मेरा भी यहाँ पे जा रहा है, अच्छा इस सब को छोड़ो यहाँ पर कुछ इतना खास नहीं है। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्या होता है कि जो लोरेंजो है और रेमंड ये दोनों जब उसका बदला लेने जाते हैं ना वहां पर जो है उनका प्रियोरस जहाँ पे होती है, और वहां पर वो देखते हैं एक सीक्रेट डोर है, और जब वो उस डोर में जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि उनकी जो उनसी बहन एग्नीस वहां पर एट दी बॉटम इज एग्नीस, यहाँ पर आई एम सो सॉरी हो गया, अच्छा ये देखो वहां पर वो एक अलग रास्ता होता है और वहां पे उन्हें करप्ट नंस को रखा होता है एक सीक्रेट स्टेयर केस में, सीक्रेट स्टेयर केस में रखा होता है, और एट दी बॉटम इज एग्नीस, और वहां पर एग्नीस भी होती है कन्फर्म फॉर मंथ्स विद ओनली अ लिटिल ब्रेड एंड वाटर, और वहां पर उसको थोड़ा सा खाना और थोड़ा सा पानी दिया जाता था। लोरेंजो अपनी बहन को सेफली वहां से ले आता है और वो लोग बहुत खुश होते हैं कि उनको उनकी बहन मिल गई, रेमंड भी बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन एम्ब्रियोसो जो है वो रेप कर देता है एंटोनिया का, दूसरी तरफ जब उसका रेप कर देता है वो बहुत ही ज्यादा करप्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा करप्ट हो जाता है, एंटोनिया बहुत ज्यादा रोती है और वो सारी सिचुएशन से एस्केप करना चाहती है, लेकिन एम्ब्रियोसो उसकी जान नहीं छोड़ता, एम्ब्रियोसो उसके पीछे पड़ा रहता है एंड स्टेप्स हर टू डेथ टू कीप हर फ्रॉम एस्केपिंग, और उसको मौत के घाट उतार देता है ताकि उसको वो एस्केप करने से बचा ले, और एंटोनिया एंड में लोरेंजो के बाजुओं में मर जाती है। लेकिन स्टोरी अभी भी एंड नहीं हुई, स्टोरी अभी भी थोड़ी सी बड़ी है, ये लास्ट सीन
स्लाइड है, इसमें क्या होता है, रेमंड और एग्नीस रीयूनाइट हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है। लोरेंजो जो है वो उसको काफी ज्यादा गम रहता है एंटोनिया का, लेकिन कुछ अरसे बाद उसकी शादी हो जाती है एक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्जीनिया से, डी वेला फ्रांका से, और एम्ब्रियोसो और मैथिल्डा जो उनसे हैं ये हैंडेड ओवर कर दिए जाते हैं पुलिस के, क्योंकि इनने बहुत ज्यादा क्राइम किए होते हैं, रेप किए होते हैं, मर्डर किए होते हैं, और बहुत ज्यादा बुरे काम किए होते हैं। और एम्ब्रियोसो जो उनसे है इस टॉर्चर्ड इज इन एन अटेम्प्ट टू मेक हिज कॉन्फेंस, वो काफी ज्यादा मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इनको बाद में डेवल पकड़ लेता है, यानी कि शैतान पकड़ लेता है, सुपर नेचुरल चीजें आ जाती हैं। दी मॉक डाइज इन एगोनी एंड हिज बॉडी वॉशेस इन रेवर, और बस यही इसका एंड था, और बहुत मजे की मुझे ये स्टोरी लगी थी, लेकिन पता नहीं आप लोगों को अच्छी लगी होगी कि नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कोई लास्ट तक आया होगा, लेकिन अगर कोई आया है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना, आई विल बी वेटिंग। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, थैंक यू सो मच।